Hello students, let's see the question. So the question is, match the column 1 and column 2 and choose the correct option. Column 1 में different group of plant है, column 2 में उनके examples है. Match करके बताने कि कौन सा example कौन से group में belong करेगा और उस हिसाब से कौन सा option correct match है. सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे जो A है, A क्या है? क्लोरोफाइल से है. क्लोरोफाइल से मतलब कौन से? ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी अगर हम देखें इनमें से जो ग्रीन एल्गी है वो कौन सा है? ये जो यूलोथ्रिक्स है, ये क्या फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है. यहाँ पे इसका मैच कौन सा होगा? यूलोथ्रिक्स. नेक्स्ट अगर हम देखें बी क्या है यहाँ पे, फियोफाइसे. सो फियोफाइसे जो है ये हमें पता है कि ये ब्राउन एल्गी है. इसमें कौन बिलोंग करते हैं? ब्राउन एल्गी. और इनमें से ब्राउन एल्गी कौन सा है? जो सर्गेसम है, ये हमें पता है कि एडिबल ब्राउन एल्गी है, तो ये फूड की तरह यूज़ किया जाता है. तो ये जो है, ये अगर हम देखें ये सर्गेसम आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट अगर हम देखें रोडोफाइल से मतलब कौन सा? रेड एल्गी. रेड एल्गी. और इनमें से रेड एल्गी कौन सा है? पोरफायरा. पोरफायरा फर्स्ट वाला है. पोरफायरा क्या है? रेड एल्गी. नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ ब्रायोफाइट्स, तो जो पॉलिट्रिकम है ये एक तरह का मॉस है. तो अगर हम देखें यहाँ पे डी जो है ये क्या है? ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट. और ब्रायोफाइट में भी मॉस का एग्जांपल है, एक तरह का मॉस है क्या ये जो सेकंड वाला है, पॉलिट्रिकम. पॉलिट्रिकम. अगर हम देखें यहाँ पे ए का क्या होना चाहिए? ए का फोर्थ इसमें दिया है, इसमें थर्ड दिया गलत है, इसमें फर्स्ट दिया तो गलत है, इसमें सेकंड दिया तो गलत है. देन बी का क्या होना चाहिए? बी का थर्ड होगा, बी का थर्ड सही दिया है. देन सी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट सही दिया है. डी का क्या होना चाहिए? सेकंड सही दिया है. करेक्ट आंसर दिस थर्ड वन. वो भी अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द